गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीपीसी अलवर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने ऑटोकैड की 2D ड्राइंग बनाने के कुछ कमांड्स की स्टडी की। आज हम ऑटोकैड के 3D कमांड्स की स्टडी करेंगे और ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की सहायता से किस तरह से हम 3D ड्राइंग बनाते हैं, सॉलिड ड्राइंग बनाते हैं। सबसे पहले हम कुछ सॉलिड की शेप्स के बारे में जानकारी लें, किस किस तरह के 3D ऑब्जेक्ट हम ड्राइंग में काम में लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बॉक्स रेड कलर में है। ये बॉक्स हम ऑटोकैड की सहायता से बना सकते हैं। फिर सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद एक कॉनिकल सॉलिड है, फिर एक स्फेयर दिखाई दे रहा है, फिर एक वेज दिखाई दे रही है और फिर एक टॉरस शेप दिखाई दे रही है। इस तरह की डिफरेंट शेप्स को हम ऑटोकैड में किस तरह से बना सकते हैं, इसकी अपन आज स्टडी करेंगे। ऑटोकैड में 3D ड्राइंग में डिफरेंट टाइप्स के जो कमांड होते हैं उनमें एक महत्वपूर्ण कमांड है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कमांड की सहायता से हम किसी भी 2D ड्राइंग को उसको एक्सट्रूड करके 3D ड्राइंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाली फिगर में एक सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, इस सर्किल यदि हम एक्सट्रूड कमांड स्क्रीन पर टाइप करें तो एंटर करें तो उसके बाद उसका ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड। तो हम इस सर्किल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो पूछता है थिकनेस या हाइट, कितनी थिकनेस या हाइट पे आपको उसको एक्सट्रूड करना है। वो हाइट की वैल्यू हम मेंशन कर देंगे तो हम देखते हैं कि उस सर्किल के स्थान पर एक सिलेंडर स्क्रीन पर बन जाता है। इसी तरह से एक रेक्टेंगल को यदि हम एक्सट्रूड करेंगे तो बॉक्स शेप बन जाएगी। एक्सट्रूड की तरह ही एक दूसरा कमांड, 3D कमांड ऑटोकैड में काम में आता है, उसे कहते हैं रिवॉल्व। रिवॉल्व कमांड के अंतर्गत हम किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को एक एक्सिस के अलोंग 360 डिग्री या कम एंगल से रिवॉल्व करके उसको एक सरफेस की शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक ब्लू लाइन, एक एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है, इस ब्लू लाइन के साथ में एक रेड लाइन हमने बनाई हुई है। यदि इस ब्लू लाइन की एक्सिस के सापेक्ष में इस रेड लाइन को हम इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे तो एक होलो सिलेंडर शेप या सरफेस हमारे पास बन जाएगी। इसके लिए हम रिवॉल्व कमांड काम में लेते हैं। एक और 3D कमांड है स्वीप कमांड। इस स्वीप कमांड की सहायता से कोई भी टिपिकल सरफेस हम आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए कमांड पर SWEEP हम एंटर करेंगे। जैसे ही हम स्वीप कमांड एंटर करेंगे वो पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, अर्थात किस ऑब्जेक्ट को हमें स्वीप करना है। हम एक छोटा सा सर्किल हमने लिया हुआ है, उस सर्किल को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर वो उसका पाथ पूछेगा। ये हेलिकल पाथ हम उसे दे देंगे तो एक हेलिकल स्प्रिंग की शेप में ये छोटा सर्किल बन जाएगा। इस तरह से एक 3D सरफेस हम स्वीप कमांड की सहायता से बना सकते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट सॉलिड्स हम बनाते हैं उन सॉलिड्स को आपस में इंटरेक्ट करके बुलियन ऑपरेशंस को यूज करके हम कॉम्प्लिकेट ड्राइंग भी आसानी से बना सकते हैं। बुलियन ऑपरेशंस में सबसे पहला कमांड है यूनियन कमांड। इस यूनियन कमांड की सहायता से हम दो या दो से अधिक सॉलिड्स को मिला के एक कंबाइंड सॉलिड बना सकते हैं। इसी का दूसरा कमांड है सब्ट्रैक्ट कमांड। सब्ट्रैक्ट कमांड की सहायता से एक सॉलिड में से दूसरे सॉलिड को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो सॉलिड एंटिटी शेष बचेगी दैट कैन बी यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्ट कमांड। और तीसरा कमांड है इंटरसेक्ट कमांड। इंटरसेक्ट कमांड में जो दो सॉलिड्स हम काम में ले रहे हैं उनका जो कॉमन एरिया है केवल वो बचेगा, बाकी सारा एरिया हट जाएगा। इस तरह से डिफरेंट बुलियन ऑपरेशंस काम में लेके हम ऑटोकैड में सॉलिड या 3D ग्राफिक्स बना सकते हैं। थैंक्स।